डिलीवरी के बाद, भले ही आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, इसके बाद रिलेशन कब बनाना चाहिए, इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं। हालांकि इस पे ऑलरेडी वीडियो भी है, तो आप लोग सर्च नहीं करते चैनल पे जाके। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद कब रिलेशन बनाना सही होता है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार हम काफ़ी जल्दी रिलेशन बनाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर टांके टूट जाते हैं, है ना। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे आपके पेरिनियम एरिया पे टांके लगे होते हैं, ताकि बच्चे की सिर की डिलीवरी अच्छे से हो। और सिजेरियन में तो आपको पता ही है, टांकों पे भी जोर जा सकता है, इसलिए वो फट भी सकते हैं। तो कब रिलेशन बनाना सही होता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं। तो देखिए, डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक, यानी कि 45 दिन तक आपको ब्लीडिंग होते रहती है। पहले आपको डार्क कलर की ब्लीडिंग होगी, उसमें क्लॉट्स भी आएंगे, जो भी बच्चे की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो भी कचरा होता है वो निकल रहा होता है, तो क्लॉट्स आपको आएंगे। और फिर धीरे धीरे इसका कलर हल्का होता जाएगा, और लास्ट में येल्लो कलर का डिस्चार्ज भी होगा, जिसमें आपको हल्की इचिंग भी हो सकती है और उसमें से स्मेल भी आपको आ सकती है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सब जो अंदर का कचरा है वो निकल रहा होता है, सफाई आपके बच्चेदानी की हो रही होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, और सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी। तो इस दौरान अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी ऊपर तक जा सकता है, और यहाँ पे जो महिला है उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर इस ब्लीडिंग के चलते आप रिलेशन बनाते हैं तो। दूसरा, आपके टांके भी इस टाइम तक ठीक नहीं हुए होते हैं, उनको भी ठीक होने में किसी महिला को 1 महीना, किसी को 15 दिन और किसी को 45 दिन भी लग सकते हैं, है ना। जब आपके नीचे के टांके अच्छे से ठीक हो जाते हैं, नीचे के जो नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस दिए होते हैं गलने वाले, वो ठीक हो जाते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं, तो ही रिलेशन बनाइए। अगर आप बीच में ही रिलेशन बना लेंगी, यानी कि 1.5 महीने से पहले ही रिलेशन बना लेंगी, तो एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा टांके भी फट सकते हैं, और वहाँ पे आपको दोबारा टांके लगवाने जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी इसी तरीके से टांकों पे जोर जा सकता है, आपके पेट में जोर जा सकता है, और वो फट सकते हैं और दोबारा रिस्विच कराने पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आपको ब्लीडिंग के चलते भी रिलेशन नहीं बनाना है, और टांके जब तक ठीक ना हो जाएं। आप खुद ही महसूस करेंगे आपके जो टांके हैं वो अच्छे से ठीक हो गए हैं, और टांकों को डेली साफ़ पानी से अच्छे से साफ़ करना चाहिए, और गीलापन वहाँ पे नहीं रहना देना है, पैड को हमेशा चेंज करते रहना है, और अच्छे सूखे हुए कपड़े ही आपको पहनने हैं, जिससे कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया डेवलप ना हो। इसके अलावा खाने में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स और सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा लें, ताकि जो आपकी स्टूल है, पॉटी है, वो भी टाइट ना आए। कई बार वो टाइट आती है, आपको कब्जे की समस्या हो जाती है, तो जब आप जोर लगाती हैं तो वो आगे भी जोर जाता है आपके टांकों पे, क्योंकि वहीं पे उसके आसपास ही आपके टांके लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे टांके फटने का रिस्क रहता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल या फिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी। और इसके बाद भी, जैसे मैंने बोला, 45 दिन के बाद आप रिलेशन बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके टांके जो हैं पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, है ना, बीच में रिस्विच कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अच्छे से ठीक हो गए हैं, सूख गए हैं, कोई भी रेडनेस, कोई भी पस वगैरह उनमें नहीं है, सूख गए हैं अच्छे से, तो तब आप रिलेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 45 दिन बोला तो 45 दिन बाद ही बनाइए। कोई महिला तब तक फिट अपने आप को महसूस नहीं करती, या फिर ठीक नहीं हुई होती है, टांके ठीक नहीं हुए होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जब ठीक हो जाए तभी आप रिलेशन बना सकते हैं। और इसके बाद भी आपको जो प्रोटेक्शन है उसका यूज करना चाहिए। कई बार महिलाएं 2 महीने में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कई बार 4 हफ्ते में ही उनका ओवुलेशन हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो ये महिला के शरीर पे डिपेंड करता है ना। तो आप ये मत सोचिए कि हम अभी डिलीवरी हुई है तो अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं लगेगी, बिल्कुल हो सकती है, कॉन्डम का उपयोग कीजिए, कोई भी प्रेगनेंसी ना लगे अनवांटेड। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, प्रिकॉशन यूज कीजिए, या फिर टैबलेट आप ले रहे हैं तो वो लीजिए, या फिर कॉन्डम का उपयोग कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।